हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार्बन क्लासेस चैनल। और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थायराइड कार्टिलेज। इन लास्ट लेक्चर वी हैड सीन हाउ टू मेक अ 3D मॉडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थायराइड कार्टिलेज। सो थायराइड कार्टिलेज पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम मॉडल से ही। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको आप पहले अपने नोटबुक्स में वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट in the model of the thyroid cartilage. So I am moving the camera over the notes. Please pause the video and write it in your notebooks. सो फ्रेंड्स, हमने अभी नोट्स देखे थे पीछे। नाउ हम थायराइड कार्टिलेज को इस मॉडल के थ्रू समझेंगे। सो सबसे पहले पॉइंट जो नोट्स में था कि थायराइड कार्टिलेज इज अ वी शेप्ड कार्टिलेज। तो अगर आप देखें तो ये जो कार्टिलेज आपको दिख रहा है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम दूसरे मॉडल को देखें, सो दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन इन विच योर थायराइड कार्टिलेज इज प्लेस्ड। तो ये वी शेप आपको एक फिगर दिख रही होगी कि ऐसे से वी शेप्ड है आपका थायराइड कार्टिलेज। So this is the first point, that thyroid cartilage is V-shape in cross section. Now second point ये है कि जो आपका thyroid cartilage है उसमें दो laminas होते हैं। So this is your left lamina, this is your right lamina. तो दो laminas, it consists of two laminas, left lamina and right lamina. और अब ये जो laminas हैं ये approach करते हैं दोनों at an angle of 90 degree in males. ये दोनों आएंगे ऐसे वी शेप होता, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है बीच में, ये एंगल होता है 90 डिग्री इन मेल्स एंड 120 डिग्री इन फीमेल्स। सो द लेमाइना अप्रोच ईच अदर एट एन 90 डिग्री ऑफ 90 डिग्री एंगल इन मेल्स एंड 120 डिग्री इन फीमेल्स। फिर फ्रेंड, जो आपका लोअर बॉर्डर होता है ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लेमाइना, दे फ्यूज टू फॉर्म अ मीडियन प्रोजेक्शन कॉल्ड दी लैरेंजियल प्रोमिनेंस। तो बीच में यहां पर लोअर बॉर्डर की तरफ एक प्रोमिनेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द लैरेंजियल प्रोमिनेंस। देन अपर बॉर्डर जो होते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर, दे डू नॉट मीट एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ थायरॉयड नॉच। सो दिस इज अ थायरॉयड नॉच विच यू कैन सी ओवर हेयर। नीचे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर होते हैं वो फ्री होते हैं। अब आप दोनों देख लीजिए, दीज आर योर पोस्टीरियर बॉर्डर्स, दे बोथ आर फ्री। नाउ पोस्टीरियर बॉर्डर्स, अपर बॉर्डर ऊपर की, दोनों बॉर्डर्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं फ्रेंड्स। तो अपर बॉर्डर ऊपर की तरफ प्रोलॉन्ग्ड होता है, नीचे वाला बॉर्डर नीचे की तरफ प्रोलॉन्ग होता है। अपर वाले बॉर्डर को कहते हैं हम सुपीरियर कॉर्नुआ, एंड द इन्फीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड योर इन्फीरियर कॉर्नुआ। सो अपर बॉर्डर सुपीरियर कॉर्नुआ और सुपीरियर हॉर्न, इन्फीरियर कॉर्नुआ और इन्फीरियर हॉर्न, दिस इज द लोअर बॉर्डर। नाउ योर सुपीरियर कॉर्नुआ इज कनेक्टेड विद हायोइड, इसके ऊपर एक हायोइड बोन ऐसे होती है, उसके उसमें आपके ग्रेटर कॉर्नुआ होता है उसमें, और एक लोअर कॉर्नुआ होता है, इन्फीरियर कॉर्नुआ। तो ग्रेटर कॉर्नुआ से आपके दो लेटरल लीगामेंट्स आते हैं and lateral thyrohyoid ligaments, and it connects both the superior cornua and the greater cornua of hyoid bone. So इन दोनों से connect होता है। Then your inferior cornua articulates with this cricoid cartilage, and यहाँ पर आपको ये दिखाऊँ कि it articulates here over the cricoid with a cricoid cartilage, and इस joint का नाम होता है आपका cricothyroid joint. So here is the cricothyroid joint, and then you know the lower part of the thyroid cartilage is connected with the
क्रिकॉइड कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट विच इज कॉल्ड द कोनस इलास्टिकस. सो नाउ द आउटर सरफेस देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ओब्लीक लाइन. दिस ओब्लीक लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुपीरियर थायरॉयड ट्यूबरकल टू द इन्फीरियर थायरॉयड ट्यूबरकल. ठीक है, तो सुपीरियर थायरॉयड इन्फीरियर थायरॉयड ट्यूबरकल से एक ओब्लीक लाइन निकलती है जो कि प्रोमिनेंट होती है आउटर सर्फेस पे, और यहाँ पर आपको तीन मसल की अटैचमेंट दिखती हैं. सो द थ्री मसल अटैचमेंट प्रेजेंट ओवर हेयर आर थायरोहायोइड, स्टर्नोथायरॉयड एंड थायरोफेरेंजियस. थायरोहायोइड, स्टर्नोथायरॉयड एंड थायरोफेरेंजियस. एंड देन देयर इज अटैचमेंट ऑफ मसल्स, देयर इज इंसर्शन ऑफ थ्री मसल्स फ्रॉम एट द बैक अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर वेयर द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर कॉर्निया की जहाँ पर मीट होता है वहाँ पर तीन मसल्स का इंसर्शन होता है विच आर नेमली पैलेटोफेरेंजियस, सेल्फिंगोफेरेंजियस एंड स्टाइलोफेरेंजियस. पैलेटोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस एंड आपका सेल्फिंगोफेरेंजियस, इन तीनों मसल्स का अटैचमेंट होता है. अब हम इनर एस्पेक्ट को एक डायग्राम के थ्रू जानेंगे. सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे द इनर एस्पेक्ट. इनर एस्पेक्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देयर आर सिक्स थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इनर एस्पेक्ट. द फर्स्ट वन इज मीडियन थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट. सो यहां पर ये प्रेजेंस है आपके मीडियन थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट. जो अब दूसरी चीज है वो है आपके थायरो एपिग्लॉटिक मसल ऑन ईच साइड. सो देयर इज अ थायरो एपिग्लॉटिक मसल, दिस वन थायरो एपिग्लॉटिक मसल विच इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड. द थर्ड वन इज वेस्टिबुलर फोल्ड ऑन ईच साइड. सो वेस्टिबुलर फोल्ड जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज द वेस्टिबुलर फोल्ड ऑन ईच साइड. वेस्टिबुलर फोल्ड उसके नीचे दिखता है हमें वोकल फोल्ड ऑन ईच साइड. सो दिस दीज आर योर वोकल फोल्ड्स एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू मसल्स, थायरो एरिटिनॉइड मसल एंड वोकैलिस मसल. सो थायरो एरिटिनॉइड मसल एंड वोकैलिस मसल. सो योर इन अंदर की तरफ हो गई, दिस मसल इज योर थायरो एरिटिनॉइड एंड बाहर की तरफ हो गई वोकैलिस. सो दिस इज योर थायरो एरिटिनॉइड, एरिटिनॉइड एंड वोकैलिस मसल. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट. इसके बाद के सारे कार्टिलेजेस में एक ही वीडियो में बताऊंगा. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग.